माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री, माननीय श्री राव साहब पाटिल दानवे जी, रेल कोयला एवं खान राज्य मंत्री, जो VC के थ्रू वीडियो लिंक के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, माननीय श्रीमती दर्शना चंद्रवंशी, रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री, माननीय श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और रेलवे बोर्ड के सदस्यगण, देश के कोने कोने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और रेल कर्मी, फेडरेशन एसोसिएशन के पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारतीय रेलवे की तरफ से आयोजित आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के माइलस्टोन फंक्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष आभारी हूँ माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री राव साहब पाटिल दानवे जी, श्रीमती दर्शना जरदोश जी एवं श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी का कि उन्होंने इस समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। जैसा कि आप जानते हैं, देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 75 वर्षों की उपलब्धियों एवं सुनहरे भविष्य की एक्सपेक्टेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस आइकॉनिक वीक के द्वारा भारतीय रेल ने देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके वीरों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है। इस आइकॉनिक वीक को 18 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। इस उत्सव का फोकस 75 स्वतंत्रता स्टेशन और 27 स्पॉट लाइट ट्रेनें थी और हमारा उद्देश्य था भागीदारी और जन आंदोलन की स्पिरिट से लोगों तक पहुंचना। 24 राज्यों के लिए 75 स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़े हुए हैं, जैसे कि काकोरी, चौरी चौरा, साबरमती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोमो, सुनाम, ऊधम सिंह वाला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस तूसा, नहरलगुन, हैदराबाद, किट्टूर, इन स्टेशनों का नाम मात्र ही स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। 27 रेलगाड़ियों को स्पॉटलाइट ट्रेनों के रूप में पहचान किया गया। इन रेलगाड़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की कुर्बानी को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चुना गया, जैसा कि नेताजी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, सत्याग्रह एक्सप्रेस, रानी चिनम्मा एक्सप्रेस। भारतीय रेल का स्वतंत्रता संग्राम और इसके वीरों से बहुत गहरा नाता है। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ट्रेनों से यात्रा करके देश के करोड़ों लोगों तक आज़ादी का संदेश फैलाया था। मुझे प्रसन्नता है कि आज सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। साथ ही अपार आनंद है कि श्री पी करुपैया, श्री कोमल चंद जैन, श्री लाल मोहम्मद, श्री रामू सैनी आदि जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी स्वयं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बीते हफ्ते में स्टेशनों पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नुक्कड़ नाटक, लाइट और साउंड शो, देशभक्ति के गीत जैसे कार्यक्रम किए गए। साथ ही फोटो गैलरी, डिजिटल स्क्रीन, सेल्फी पॉइंट जैसे पॉइंट बनाए गए। इनसे स्टेशनों पर आने वाले लाखों यात्रियों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने का मौका मिला। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों ने स्पॉटलाइट ट्रेनों को अपने हाथों से रवाना करके भारतीय रेल का सम्मान बढ़ाया है। आप सभी को मेरा नमन। मुझे खुशी है कि आज माननीय केंद्रीय और राज्य मंत्री वीडियो लिंक से स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों से इंटरेक्शन करेंगे। इससे हमें आज़ादी के संग्राम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही आज तीसरी भारत गौरव ट्रेन दिव्य काशी आदि अमावस्या एक्सप्रेस के शुभारम्भ का भी अवसर है,
यह ट्रेन मदुरई, चेन्नई, विजयवाड़ा, पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी, प्रयागराज जैसे भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों से जाएगी। इन भारत गौरव ट्रेन से लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका मिलेगा। मुझे आशा है कि इस तरह के आयोजनों से देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होगी और भारतीय रेल देश के कोने कोने तक आज़ादी का संदेश पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। एक बार फिर मैं आप सभी का इस माइलस्टोन फंक्शन में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।